गुड इवनिंग, एमसीएसई एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, तो अब आप लोगों को बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उससे जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे। और अभी तक हम लोग बायोलॉजी के सभी टॉपिक लगभग देख चुके हैं जितना हम लोग के सिलेबस में है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोग का है उपजगत, जिसमें एम्ब्रियो फाइटा से संबंधित आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एम्ब्रियो फाइटा उपजगत में शामिल है। एम्ब्रियो फाइटा उपजगत में क्या शामिल है? बायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए एम्ब्रियो फाइटा में क्या शामिल है। तो एम्ब्रियो फाइटा जो होता है, इन पौधों में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं और एक बंध आवरण से घिरे रहते हैं और इनका बहुकोशिकीय भ्रूण मादा जनन अंग में विकसित होता है। इस उपजगत में दो संघ सम्मिलित होते हैं जिसमें ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा दोनों शामिल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो, दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइटा संघ में किसका अभाव होता है? ब्रायोफाइटा संघ में किसका अभाव, मतलब कौन सा नहीं पाया जाता? संवहन ऊतक, वास्तविक जड़, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसको भी बताने की कोशिश कीजिए। तो अभी मैंने बात की एम्ब्रियोफाइटा जो होते हैं, इस पौधों में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं और एक बंध आवरण से घिरे रहते हैं और इसका बहुकोशिकीय भ्रूण मादा जनन अंग में विकसित होता है। और इस उपजगत में दो संघ सम्मिलित किए जाते हैं, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण और आद्य समूह होता है। इसमें संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ का अभाव होता है। जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं और अधिकतर ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वह स्वपोषी होते अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। और इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो प्रायः छोटे होते हैं। तो ब्रायोफाइटा संघ में किसका अभाव होता है? तो संवहन ऊतक इसमें नहीं पाए जाते। संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोयम इसमें नहीं पाया जाता और वास्तविक जड़ भी इसमें नहीं पाया जाता। वास्तविक जड़ के स्थान पर मूलाभास जड़ पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा संघ का पौधा कौन सा है? डशोनिया, जूओप्सिस, मार्सिलिया, स्फैग्नम। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा होता है उसका पौधा डशोनिया होता है। डशोनिया जो होती है, इसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है और इस समुदाय का जो पौधा होता है वो इकमोद्भिद होता है और इन पौधों में पीढ़ी एकांतर जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। तो ये सारे ब्रायोफाइटा के लक्षण है। और सबसे बड़ा पौधा जो होता है वो डशोनिया होता है। जूरोप्सिस जो है, जूओप्सिस जो है, ये सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है। तो सबसे बड़ा पूछेगा तो डशोनिया और सबसे छोटा पूछेगा तो जूओप्सिस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया किस वर्ग को कहते हैं? ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि वनस्पति जगत का जो एम्फीबिया है किस वर्ग को कहते हैं। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो ये ब्रायोफाइटा जो संघ होता है उसको वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं। और ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये भ्रूण बनाने वाले पौधे एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण व आद्य समूह है। इनमें संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं और अधिकतर जो ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिससे ये स्वपोषी होते हैं और इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। इनके पौधे जो होते हैं प्रायः छोटे होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा का पौधा होता है वो डशोनिया का होता है, जिसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है और इस समुदाय का जो पौधा होता है वो इकमोद्भिद होता है। इन पौधों में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट होता है और इनके जीवन चक्र में दो स्पष्ट प्रवस्थाएँ पाई जाती हैं। इनमें से एक आगुणित गैमिटोफाइट होती हैं तथा दूसरी जो होती हैं द्विगुणित स्पोरोफाइट होती हैं। और ये पौधे स्थली होने के साथ साथ छायादार स्थानों पर भी उगते रहते हैं। इन्हें अपने जीवन में जो है पर्याप्त आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है और इसमें से जो कुछ वैज्ञानिक ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहते हैं। और ये पौधे जो होते हैं थैलोफाइट से अधिक विकसित होते हैं। तो आपका इसमें वनस्पति जगत का जो एम्फीबिया है उसको ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम जो होता है वो ब्रायोफाइटा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पैलाडे, सिंपर, एस आर कश्यप, इजे बटलर। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो प्रोफेसर एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा के बारे में मैंने बता ही दिया कि उसमें संवहन ऊतक वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। इसमें जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं ये स्वापोषी होते हैं। इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा जो है वो डशोनिया है। सबसे छोटा जो है वो जुगोप्सिस है। और इसका जो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो प्रोफेसर एस आर कश्यप को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल है, ब्रायोफाइटा के वर्ग में क्या शामिल है, कौन कौन से शामिल है? हिपेटिसी, मशाई, एंथोसिरोटी। तो ब्रायोफाइटा को जो तीन वर्गों में बांटा गया है, हिपेटिसी जिसे लीवर वर्ड भी कहते हैं, मशाई है, एंथोसिरोटी है। और वर्ग जो हिपेटिसी होता है वो इस वर्ग के पौधों का जो शरीर होता है वो यकृत के समान हरे रंग का होता है, इसीलिए इसे लीवर बर्ड्स भी कहते हैं। और पौधों के शरीर को सुकाय कहते हैं। वह चपटा होता है, सुकाय में जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं। इनकी जो निचली सतह से अनेक एक कोशिकीय मूलांग निकले रहते हैं। मूलांग का जो कार्य होता है वो स्थिरता प्रदान करना और भूमि से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है, जैसे कि रिक्शिया हैं, मार्केंसिया हैं, ये सारे जो है हिपेटिसी वर्ग के अंतर्गत आएंगे। सेकंड जो मसाई है, मसाई में जो होते हैं इसमें उच्च श्रेणी के ब्रायोफाइटा आते हैं और ये ठंडे एवं नम स्थानों पर तथा पुरानी दीवालों के जो है समूह के रूपों में पाए जाते हैं। और इसमें तना तथा पत्ती जैसी रचना पाई जाती है। मूल की जगह पर बहुकोशिकीय मूलांग होते हैं। और मांस का जो पौधा होता है वो युग्मोद्भिद होता है। इसका बीजाणुभिद आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है, जैसे मॉस में। तीसरा है एंथोसिरोटी। एंथोसिरोटी जो होते हैं इस पौधों का जो शरीर होता है वो सुकायक होता है। इनके बीजाणुभिद में सीटा अनुपस्थित होता है, जैसे एंथोसिरोस होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। हिपेटिसी, मसाई और एंथोसिरोटी ये सारे जो है ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग को लीवर वर्ड्स के नाम से जाना जाता है? लीवर वर्ड्स के नाम से किसे जाना जाता है? हिपेटिसी, मसाई, एंथोसिरोटी, राइनिया। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो हिपेटिसी को जो है जो इसका जो इस पौधे की जो यकृत होता है, शरीर जो होता है वो यकृत के समान हरे रंग का होता है, इसीलिए इसे हम लीवर बर्ड कहते हैं। और हिपेटिसी वर्ग के जो पौधे होते हैं उसके शरीर को सुकाय भी कहते हैं। वह चपटा होता है, सुकाय में जड़ तना तथा पत्तियां नहीं होती हैं। और इनकी निचली सतह से अनेक एक कोशिकीय मूलांग निकले होते हैं। मूलांग का कार्य होता है स्थिरता प्रदान करना तथा भूमि से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, हिपेटिसी। तो हिपेटिसी वर्ग को लीवर वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शरीर यकृत के समान हरे रंग का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग में तना और पत्ती जैसी रचना पाई जाती है? इनमें से किस वर्ग में तना और पत्ती जैसी रचना होती है? लीवर बर्ड्स, मशाई, एंथोसिरोटी, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो मसाई जो होते हैं इसमें जो है उच्च श्रेणी के ब्रायोफाइटा आते हैं और ये ठंडे और नम स्थानों पर तथा पुरानी दीवारों पर के समूह में पाए जाते हैं। इसमें तना पत्ती जैसी रचना भी पाई जाती है और मूल की जगह पर बहुकोशिकीय मूलांग होते हैं। और मांस का जो पौधा होता है वो युग्मोद्भिद होता है और इसका जो बीजाणुभिद आंशिक रूप से युग्मोद्भिद पर निर्भर करता है, जैसे मॉस है। तो मॉस जो होता है ये आपका मसाई वर्ग के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। मसाई जो वर्ग के पौधे होते हैं उसमें तना और पत्ती जैसी रचना पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रायोफाइटा पौधे की जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसा ईंधन बनता है? इनमें से किस ब्रायोफाइटा पौधे की जीवाश्मीकरण से पीट जैसा कोयला ईंधन बनता है? पहला है रिक्शिया, सेकंड है मार्केशिया, थर्ड है स्फेग्नम, फोर्थ है राइनिया। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में आपने जान लिया। ब्रायोफाइटा में मैंने बताया संवहन ऊतक वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। जड़ों के स्थान पर मूलाभास होते हैं। अधिकतर जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके कारण इनको स्वपोषी कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो पौधा होता है वो डशोनिया है। सबसे छोटा जो पौधा है वो जुओप्सिस है। और इसमें जो होता है जो सबसे बड़ा पौधा होता है उसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। और इसमें इसको हम ब्रायोफाइटा संघ को वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहते हैं। और भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जो जनक है वो प्रोफेसर एस आर कश्यप है। और ब्रायोफाइटा को तीन वर्गों में बांटते हैं, हिपेटिसी,
मशाई और एंथोसिरोटी। और इसके कुछ महत्व भी हैं, जैसे ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक होते हैं। जल अवशोषण की क्षमता भी अधिक होने के कारण ये बाढ़ रोकने में भी सहायक होते हैं। और स्फैग्नम जो होता है ये मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, इसे हम पीट ऊर्जा भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, स्फैग्नम। स्फैग्नम जो होते हैं ब्रायोफाइटा पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसा ईंधन बनता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्फैग्नम का प्रयोग चिराग में बत्ती की जगह करते हैं? इनमें से किस स्फैग्नम का प्रयोग चिराग में बत्ती की जगह करते हैं? रिक्शिया, मार्केशिया, एस्किमो, राइनिया। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो एस्किमो जो होता है ये स्फैग्नम का प्रयोग चिराग में बत्ती की जगह करते हैं, चिराग में जो बत्ती की जगह यूज़ करते हैं वो एस्किमो का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फैग्नम के पौधे से निम्न में से कौन से प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है, कौन सा एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्फैग्नॉल, पेनिसिलिन, एफ्लाटॉक्सिन, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक होने के कारण स्फैग्नम का जो प्रयोग होता है वो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए किया जाता है, और स्फैग्नम के पौधों से स्फैग्नॉल नामक प्रतिजैविक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, स्फैग्नॉल जो होते हैं ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रजातियां पैकिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती हैं? इनमें से कौन सी प्रजातियां हैं जो पैकिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है? एस्किमो, स्फैग्नम, हिपैटिशी, मशाई। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो स्फैग्नम की जो है कुछ जातियां होती हैं जो पैकिंग पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है, और शैवालों की तुलना में जो ब्रायोफाइटा होते हैं इसके विकास के मार्ग पर एक कदम भी आगे है। ब्रायोफाइटा स्थल पर अतिक्रमण करके स्थल पर जीवन यापन करने में सफल रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे गुण विकसित हुए हैं जिनसे वे अपने को स्थलीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल भी सकते हैं। और इसमें कुछ गुण भी है जैसे सनहत शरीर का विकास, जल अवशोषित करने तथा आधार पर संलग्न होने के लिए विशिष्ट अंगों जैसे मूलाभासों का विकास है, जननांगों की सुरक्षा है, वातावरण से गैस विनिमय है। ये सारे जो हैं ब्रायोफाइटा के लक्षण और गुण होते हैं। तो आपका इसमें जो पैकिंग पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है वो आपका स्फैग्नम जो होता है, इसकी जो है कुछ प्रजातियां होती है वो पैकिंग पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकियोफाइटा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ट्रेकियोफाइटा के संबंध में बताना है कौन से कथन सत्य हैं। पहला, इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, वास्तविक जड़ तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं, यह स्थलीय तथा बीजाणुभेद होते हैं, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए इसके ट्रेकियोफाइटा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो संवहन ऊतक जो होते हैं इस ट्रेकियोफाइटा के जो पौधे होते हैं उसमें संवहन ऊतक, वास्तविक जड़ तना तथा पत्तियां पाए जाते हैं, और जो मुख्य रूप से स्थलीय और बीजाणुभेद भी होते हैं, और ट्रेकियोफाइटा इसी को कहते हैं। और ये जो होते हैं पृथ्वी के सबसे अधिक प्रभावी जीव हैं। ट्रेकियोफाइटा प्रभाग की अब तक लगभग 275,000 जातियों की खोज की जा चुकी है, और ये जीवमंडल तथा मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी तथा लाभदायक पौधे होते हैं। और इनको तीन प्रभागों, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बांटा गया है। तो ट्रेकियोफाइटा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, वास्तविक जड़ तना तथा पत्तियां भी पाई जाती हैं, और स्थलीय तथा बीजाणुभेद भी होते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकियोफाइटा के वर्ग में शामिल है, ट्रेकियोफाइटा के वर्ग में कौन सा शामिल है? ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उपर्युक्त सभी। तो अभी इसके बारे में मैंने बताया, तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो ट्रेकियोफाइटा जो होते हैं इसको तीन भागों में बांटा जाता है, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत शामिल है, ट्रेडोफाइटा के वर्ग के अंतर्गत कौन सा शामिल है? पड़हरिम, संवहन ऊतक युक्त, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो ट्रेडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पड़हरिम व संवहन ऊतक युक्त और अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। इसमें पड़हरिम मतलब क्लोरोफिल भी पाया जाता है, संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा एक व दो, दोनों, ना तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। इसमें अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं, और इस पर के जो सदस्यों में जल तथा खनिज लड़ों के संवहन के लिए संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और इस वर्ग के पौधे प्रायः शाकीय होते हैं, प्रायः नम और छायादार स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, ट्रेडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पड़हरिम और संवहन ऊतक दोनों शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडोफाइटा संघ में कौन से पौधे जली होते हैं? ट्रेडोफाइटा संघ में कौन से पौधे जली होते हैं? मार्शिलिया, साल्विनिया, एजोला, उपर्युक्त सभी। तो इनमें जलीय बताना है कि ट्रेडोफाइटा संघ में कौन से पौधे जली होते हैं। तो ट्रेडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत
पड़हरी मौसम बहन उत्तक युक्त आप पुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में जल और खनिज लौड़ों के संवहन हेतु संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोयम होते हैं और इस वर्ग के पौधे प्रायः शाकीय होते हैं तथा प्रायः नम व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। कुछ जातियाँ जली भी होती हैं जैसे मार्शेलिया साल्विनिया एजोला, इन्हें जो होते हैं जलीय फर्न भी कहते हैं। और इस वर्ग के पौधे में जो कुछ लक्षण भी होते हैं जैसे मुख्य पौधा बीजाणुभिद होता है जिसमें प्रायः जड़ पत्ती और स्तंभ होते हैं। ऊतक तंत्र विकसित होता है, संवहन मंडल उपस्थित इसमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम में भिन्नता होती है। तो आपका इसमें ट्रेडोफाइटा संघ में जो पौधे जलीय होते हैं ये आपका सभी हो जाएगा, मार्शेलिया साल्विनिया और एजोला ये सभी जो होते हैं जलीय होते हैं, जलीय फर्न भी कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडोफाइटा संघ के पौधों के जाइलम में किसका अभाव होता है। ट्रेडो संघ के जो पौधे होते हैं उसके जाइलम में किसका अभाव होता है, बाहिकाओं सहकोशिकाओं एक व दो, दोनों ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो ट्रेडोफाइटा के बारे में मैंने बताया कि पड़हरिम क्लोरोफिल इसमें पाए जाते हैं, संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं और ये अपुष्पोद्भिद भी होते हैं और इसमें जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं क्योंकि संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इस वर्ग के पौधे जो होते हैं शाकीय होते हैं, नम स्थानों पर उगते हैं और इसमें जो जलीय पौधे होते हैं मार्शेलिया साल्विनिया और एजोला होते हैं, इन्हें जलीय फर्न भी कहते हैं। और इनके जो लक्षण हैं ये बीजाणु उद्भिद होता है जिसमें प्रायः जड़ पत्ती और स्तंभ होते हैं और इसके जाइलम में बाहिकाओं और फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। तो इसमें आपको पूछा है जाइलम में किसका अभाव होता है, तो जाइलम में बाहिकाओं का अभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रेडोफाइटा का मुख्य लक्षण नहीं है। ट्रेडोफाइटा का मुख्य लक्षण कौन सा नहीं है, या पुष्पहीन पौधे हैं, इसमें बीज निर्माण होता है, बीजाणु अंकुरित होकर प्रोथैलस बनाते हैं, निषेचन के लिए जल आवश्यक है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा ट्रेडोफाइटा का मुख्य लक्षण नहीं है। तो ट्रेडोफाइटा जो होते हैं ये पुष्पहीन पौधे होते हैं, ये आपका सही है, ये PPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये पुष्पहीन होते हैं। ट्रेडोफाइटा जो होते हैं पुष्पहीन होते हैं, मतलब पुष्प नहीं पाए जाते हैं और इनमें बीज का भी निर्माण नहीं होता, बीज का निर्माण नहीं होता, इसमें लिखा है बीज का निर्माण होता है, ये आपका गलत हो गया। बीजाणु जो होते हैं ये अंकुरित होकर प्रोथैलमस बनाते हैं, प्रोथैलमस को युग्मोद्भिद कहते हैं, तो ये आपका सही है। निषेचन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा कि इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, तो आपको इसमें दिया है बीज का निर्माण होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ को वनस्पतिक सर्प भी कहा जाता है। ट्रेकियोफाइटा ट्रेडोफाइटा ब्रायोफाइटा उपर्युक्त सभी, तो किसको वनस्पतिक सर्प भी कहा जाता है, तो बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो ट्रेडोफाइटा को वनस्पति सर्प भी कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, ट्रेडोफाइटा को वनस्पतिक सर्प भी कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे से सोना निकाला जाता है। इनमें से किस पौधों से सोना निकाला जाता है, आइसोसाइट्स इक्विसेटम स्फैग्नम टेरिडियम, तो चलिए बता दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, इक्विसेटम जो होता है इससे सोना निकाला जाता है और पशुओं के चारे के लिए टेरिडियम जो है वो पशुओं के चारे के लिए यूज़ किया जाता है, पशु को जो चारा होता है भोजन जो होता है वो टेरिडियम होता है। और लाइकोपोडियम जो होता है ये बीज दवा में प्रयोग किया जाता है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन भी हो गया होगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, बार बार रिवीजन किया करें, हम लोग के वीडियो बहुत ज़्यादा हो गए, अगर आप लोग सारा वीडियो अच्छे से कंसंट्रेट होकर देख लेंगे पढ़ लेंगे तो आप लोग को कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग डिटेल जो सुनते हैं उसको भी ध्यान से सुना कीजिए, उसको भी नोट करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी डिटेल जो आप लोग को बताया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए और मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग जल्दी ही से ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।